बोल साचे दरबार की जय। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माता रानी के भोग की रेसिपी। तो आप इसे नॉर्मल डेज में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे चने। तो यहाँ पे ना मैंने काले चने को कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भिगा दिया था, आप चाहे रात भर भिगा दें। अब 1 कटोरी चने लिए हैं, जब वो फूल जाएगा ना तो ज़्यादा होगा, और 2 ग्लास पानी लिया है। अब इसे उबालते समय ही यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया, आप चाहें तो बाद में ऐड करें, और 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी डाल दिया है। 1-2 खड़े मसाले डालेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है तेज़पत्ता और दालचीनी। बस अब इसे हम कम से कम 4 से 5 सीटी आने तक के अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो चने हैं ना बहुत अच्छे से गल जाएँ। अब जब तक चने हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर हलवा तैयार कर लेती हूँ। 4 चम्मच घी लिया है और इसमें डाला है 2 चम्मच बेसन। मैंने कोई मेजरिंग स्पून से नहीं लिया, जो नॉर्मल हमारे घर में होते हैं ना वही लिया है। अब बेसन को कम से कम 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लें, कि इसमें थोड़ा सा एक अच्छा महक आने लगे, कच्चापन दूर हो जाए। अब मैंने यहाँ 1 कटोरी सूजी लिया था ना, इसमें बहुत थोड़ा सा बचा लिया, 1 से 2 चम्मच, मुझे लगा इतना बहुत है, क्योंकि सूजी ना जब हम पानी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो बस यहाँ पे अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी काट लेंगे। तो यहाँ मैंने बस काजू और बादाम लिया है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, गरी हो, मतलब नारियल हो सूखा, वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे ना 1 कटोरी सूजी ली है, लगभग 1 कटोरी ही है, 1-2 चम्मच बस बचा था। तो इसमें आप लें 2 से 2.5 ग्लास पानी, मतलब 2.5 कटोरी के लगभग पानी लें, क्योंकि जो सूजी है ना वो पानी बहुत सोखता है। और 1/2 कटोरी के लगभग यहाँ पर मैंने लिया है चीनी, 1 कटोरी सूजी में 1/2 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पूरा नहीं था, थोड़ा कम था, 1-2 चम्मच, फिर भी मैंने 1/2 कटोरी यहाँ चीनी लिया है, क्योंकि ये हलवा है थोड़ा मीठा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर डाले हैं, केसर ना हो तो स्किप कर दें। अब इसे हमें तब तक पकाना है ना जब तक जो चीनी है बिल्कुल अच्छे से गल ना जाए। और भूनते हुए हमारी सूजी भी अच्छी भुन गई है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आराम से भुने, वरना सूजी जल जाएगी। और ड्राई फ्रूट्स ना मैं भूनना भूल गई थी, तो बाद में सूजी को किनारे करके थोड़ा घी डाल के यहीं पे भून लिया, क्रंचीनेस वैसा ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है, चाहे तो बाद में पहले ही आप ड्राई फ्रूट्स भून लें। अब यहाँ पे जब सूजी भुन जाएगा ना, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, लगातार चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल रुकिएगा नहीं, वरना जो सूजी है ना वो जम जाएगी, तो बहुत अच्छा जो हलवा का टेस्ट है ना, कैसे वो जम जाता है केक जैसा ना, वैसा आएगा। लेकिन अगर आप इसे लगातार चलाते रहेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। तो मैंने जो क्वांटिटी बताई है ना, 1 कटोरी सूजी, 1/2 कटोरी शक्कर और 2.5 कटोरी पानी, यही आपका मेजरमेंट रहेगा, तो बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जो चने हैं ना, मैं वो भी चेक कर रही हूँ, सीटी ठंडी हो गई है, तो जो चने हैं ना वो बहुत अच्छे से हमारे गल गए हैं। तो अब इसके बाद हम चने भी फटाफट से बना लेंगे। तो इसे बनाने में आपको, अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है तब मुझे 1 घंटा लग गया, अगर आप बनाएंगे ना तो ये आपका 15 से 20 मिनट में दोनों चीज़ें आपके बनके फटाफट से तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम हलवा हमारा तैयार हो गया है। अब लास्ट में ना इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, तो देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया सा आ रहा है, बिल्कुल क्रीमी सा लग रहा है, और सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो अब ना यहाँ पे लास्ट में आप डाल दें 1 चम्मच घी, ताकि इसमें एक चमक जैसी आएगी और इसका जो टेस्ट होता है ना और बहुत अच्छा होता है। जब घी कम हो ना तो आप लास्ट में भी घी ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच, तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलते हैं बनाते हैं चने मसाले। अब यहाँ पे 2 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/6 चम्मच लिया है गरम मसाला, और 1 चम्मच लिया है काली मिर्च पाउडर। तो ये 1 कटोरी चने का मेजरमेंट है। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी मैंने अदरक ली है, उसको कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पे ना 2 हरी मिर्च डाल दें, आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर डालें, लेकिन मैंने यहाँ पे हरी मिर्च लिया है। अब जैसे अगर आप कंजिकाएँ खिला रहे हैं तो आप मिर्च को अवॉइड करें। अभी यहाँ पे देखिए 1 चम्मच घी में या तेल डालें, जीरा, हींग, अदरक और मिर्चे का तड़का दिया है। अब बस यहाँ पे ना, अब इस समय ना आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि अदरक भी हमारी जलने नहीं चाहिए, और जो मसाले हम डाल रहे हैं सूखा ये भी ना जले, तो इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। और यहाँ पे फिर डाल दें पानी, तो आप पानी आप थोड़ा सा डालें, मतलब 1/4 कप के लगभग पानी डालना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ना बहुत लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि प्याज लहसुन डला नहीं है तो मसाले भुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ इसी में आपका जो टेस्ट होता है ना वो ख़राब होता है। आप मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरीके से भुनें कि घी थोड़ा सा, घी या तेल ऊपर थोड़ा सा दिखने लगे। अब जब इसे आप 5 से 7 मिनट के लिए भून लें बिल्कुल लो फ्लेम पे,
तब यहाँ पे आप उबले हुए चने डालें और इसको इस तरीके से मैशर से थोड़ा सा मैश कर दें। आप चाहें तो चने को मिक्सी के जार में भी चला दें, लेकिन क्योंकि उस दिन बहुत काम रहता है तो साथ ही साथ जो जो काम होता जा रहा है ना साथ ही साथ करते जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने चने को अच्छे से मैश कर दिया है। अब इसको एक मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेना है। अब यहाँ पे जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा ना, देखिए बिल्कुल इकट्ठा हो गया है, तब हम यहाँ पे उबले हुए चने डाल देंगे। अब हमारा सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए। तो जैसे ना जब तक ये बॉयल हो रहा है ना तब तक मैं थोड़ा सा अपना किचन भी समेट लेती हूँ। अब इसे ना मैं तब तक के पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो जो सूखे चने होते हैं ना, सूखा चना मसाला बहुत ही बढ़िया लगता है, आप नॉर्मल डेज में भी इसे बना सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा ड्राई हो गया है। अब अगर आपके पास हरी धनिया है तो उसे थोड़ा सा गार्निश कर दें और यहाँ पे अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए आज तो नहीं है, लेकिन मैंने आज ये बनाया था और इसी का भोग लगाया था क्योंकि नवमी में ये बनता है, तो मैं इसे नवमी के दिन भी बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और यहाँ पे देखिए अभी ना ये हलवा निकालते हैं, तो इतना बढ़िया बना था ये प्रसाद। मैंने इसको जब टेस्ट किया तो सच में प्रसाद का तो नाम है ही, लेकिन बहुत बढ़िया बना था, बिल्कुल अलग तरीके का इसका स्वाद था। तो आप एक बार इस तरीके से ना ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मेरा ये प्रसाद बनके बिल्कुल तैयार है, मैंने माता रानी को आज भी भोग लगाया था। और हाँ, बिहाइंड द सीन अभी आएगा ना, तो उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा जल्दी ही कैमरा फेस करना स्टार्ट किया है। तो देखिए माता रानी को भोग लगा दिया, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम वंदना है, क्या बोले। आप सभी को मेरा नमस्ते, स्वागत है। 2000 years later. स्वागत है आपका मेरे चैनल में। त्योहार आ गए हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो बहुत ही फेमस डिश, जो कि है काला चना और हलवा की रेसिपी, जो माता रानी को भूख लगाते हैं। तो चलिए त्यौहार की इस बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले हम भी आए थे।